हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कार्नोट हीट इंजन, राइट। और जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट प्लैंक्स एंड कैल्विन स्टेटमेंट वो एक्सप्लेन करता था हमारे, वो इसमें कार्नोट हीट इंजन इसके एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए है। और जो सेकंड क्लाउसियस स्टेटमेंट है वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर को एक्सप्लेन करता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट प्लैंक्स केल्विन पर बेस्ड ये डिवाइस है कार्नोट हीट इंजन। और दूसरी चीज ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो हम लोगों ने बताया था, डिस्कस किया था, उसको फॉलो करता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो करने का मतलब आइडियल, इसका मतलब कार्नोट हीट इंजन इज एन आइडियल इंजन, रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो कर रहा है, जिस कंडीशन से जा रहा उसी कंडीशन से वापस आएगा। तो इसका मतलब नो चेंजेस इन द स्टेट एट एनी पॉइंट, तो ये आइडियलिटी हो गई। तो इसका मतलब कार्नोट हीट इंजन इज एन आइडियल हीट इंजन विच वर्क्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स या वर्क्स बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। आपको याद होगा T1 हमारा सोर्स था और T2 हमारा सिंक था, हीट इंजन जब मैंने बताया था। तो T1 सोर्स है, T2 हमारा सिंक है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ये कार्नोट हीट इंजन, जैसे कि मैंने बताया, आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है जो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे काम करता है, T1 सोर्स, T2 सिंह। और इसे फ्रेंच इंजीनियर ने 1824 में इन्वेंट किया था, इस आइडिया को कंसीव किया था, नाम कार्नोट, सैरी कार्नोट, और उन्हीं के नाम पे इस इंजन का नाम कार्नोट हीट इंजन पड़ा। तो उन्होंने बताया कि इस इंजन के 4 पार्ट्स हैं, कार्नोट हीट इंजन के 4 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट आपका सिलेंडर है, सिलेंडर जिसमें जो कि मेन पार्ट है, सिलेंडर इज द मेन पार्ट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके बारे में बताया गया है कि इसकी साइड वॉल्स और जो पिस्टन है वो इंसुलेटिंग है, पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, कैन मूव अप एंड डाउन, जबकि बेस बॉटम हमारा इंसुलेटिंग है, राइट। दूसरा सेक्शन हमारा है पार्ट सोर्स, सोर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसका टेम्परेचर हाई है, T1, राइट। और इसकी साइड वॉल सारी हमारी इंसुलेटिंग है जबकि अपर वॉल कंडक्टिंग है, राइट। थर्ड सेक्शन है हमारा सिंक, और सिंक एक ऐसा सेक्शन है जिसका टेम्परेचर T2 है, लो टेम्परेचर, सोर्स का हाई टेम्परेचर था और सिंक का लो टेम्परेचर T2, और इसकी भी साइड वॉल्स इंसुलेटिंग है जबकि टॉप वॉल हमारी कंडक्टिंग है। और फोर्थ सेक्शन है वर्किंग सब्सटेंस, और वर्किंग सब्सटेंस में आइडियल गैस ली गई है जो कि कंटेनर में फिल्ड है। तो अब मैंने इसको यहां पर लिख रखा है। अच्छा, एक चीज और, इसमें जो है आपका सोर्स और सिंक दोनों को ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है इनकी, और उसका फायदा क्या होता है, जैसे आपने हीट इंजन में भी बताया था कि सोर्स और सिंक हाई थर्मल कैपेसिटी के हैं, तो उसका फायदा यह है कि चाहे जितनी अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से निकाल लीजिए या सिंक में जितनी अमाउंट ऑफ हीट भेज दीजिए, इसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। तो ये हाई हीट कैपेसिटी होने की वजह से देयर विल बी नो चेंज इन इट्स टेम्परेचर, चाहे कोई भी अमाउंट का हीट ट्रांसफर हो, टेकन आउट और गिवन, राइट। तो मैं अब आपको, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, लिखा है इसलिए स्टूडेंट्स ताकि सुनेंगे तो अच्छी बात है, समझ में आएगा, लेकिन अगर बाद में आपको नोट्स बनाना है तो आप बस इतने नोट्स कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखिए कार्नोट हीट इंजन क्या कहते हैं, इट इज एन, सबसे पहले तो इंजन के बारे में लिखा गया, एन आइडियल रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स T1 जो कि सोर्स का है एंड T2
जो कि सी क्या है टेम्परेचर। आइडिया फॉर द हीट इंजन गॉट ऑफ हीट इंजन वॉज फर्स्ट कंसीव बाय द फ्रेंच इंजीनियर सैरी कार्नोट इन 1824 राइट। एंड कंस्ट्रक्शन, अब इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द फोर पार्ट्स, ऐसा मैंने बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स। पहला पार्ट सिलेंडर, क्या दिस इज मेन पार्ट। अब पहले एक चीज मैं बता दूं, देखिए मैंने इन पार्ट्स को यहां पर डायग्राम से दिखाया है। एक थोड़ा सा बेस बताना है कि जो वॉल्स हमारी मोटी है, थिक है, थिक वॉल्स, ये इंसुलेटिंग है, और जो फाइन लाइन है वो कंडक्टिंग है। तो पहले सुन लीजिएगा, ये सिलेंडर का बेस है कंडक्टिंग, सोर्स का टॉप कंडक्टिंग, सिंक का टॉप कंडक्टिंग, बाकी सारी वॉल्स जो थिक है वो सारी की सारी इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का मतलब देयर विल नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम दीज वॉल्स। अगर हम इस स्टैंड की बात कर रहे हैं तो इसकी किसी भी वॉल से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, इसकी 1, 2, 3 वॉल से नहीं होगा, जबकि ये हमारा हीट ट्रांसफर होगा, कंडक्टिंग है। ऐसे ही सिंक में भी हीट का ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि टॉप कंटेनिंग है, सॉरी कंडक्टिंग है और बाकी इंसुलेटिंग है। ऐसे ही सिलेंडर का बेस हमारा कंडक्टिंग है ना, तो इसका मतलब यहां से हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी इन वॉल से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये डायग्राम बनाया मैंने, पहला पार्ट सिलेंडर, दिस इज मेन पार्ट, ये सिलेंडर जो है कॉर्नर हीट इंजन का मेन पार्ट है। और पहली बात ये, ऐसा कोई इंजन है नहीं, देयर इज नो सच टाइप ऑफ इंजन, दिस इज थ्योरेटिकल इंजन, ये थ्योरेटिकल है। और इससे हम जो रियल इंजन है कंपेयर कर सकते हैं कि एफिशिएंसी क्या है क्या नहीं है, बहुत सी चीजें कंपेयर करेंगे, लेकिन ये रियलिटी का इंजन नहीं है, दिस इज प्योर थ्योरेटिकल इंजन। तो दिस इज मेन पार्ट हैविंग कंडक्टिंग बेस, बेस इसका कंडक्टिंग है, एंड इंसुलेटिंग वॉल्स फिटेड विथ इंसुलेटिंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ये पिस्टन है और ये फ्रिक्शनलेस है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे वेट्स रख दिए गए हैं, इसका काम क्या है, वेट्स जो है इस पिस्टन को यानी गैस को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के काम में आएंगे, एक्सपेंशन या कंप्रेशन के काम में आएंगे। अब एक्सपेंशन का मतलब कैसे होगा, भाई हम धीरे धीरे यहां वेट हटाते चले जाए तो ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा तो पिस्टन ऊपर भागेगा राइट। और अगर हम धीरे धीरे ये छोटे छोटे वेट्स इस पे रखते हैं तो क्या होगा, ये प्रेस होगा और ये नीचे आएगा, यानी एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए इसके लिए छोटे छोटे वेट्स यहां पर रख दिए हैं, यानी गैस के एक्सपेंशन और कंप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है सोर्स, अ हीट रिजर्वर एट हाई टेम्परेचर प्योर, ये हीट रिजर्वर है जिसका टेम्परेचर T1 है और हाई टेम्परेचर है हॉट बॉडी। अब इसमें भी जैसे मैंने लिखा था कि बेस इज कंडक्टिंग एंड वॉल्स आर इंसुलेटिंग, तो इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं कि इट्स वॉल्स आर इंसुलेटिंग व्हाइल द टॉप इज कंडक्टिंग राइट। ये हमारा सोर्स हो गया। तीसरा पार्ट है हमारा सिंक, अ हीट रिजर्वर एट लो टेम्परेचर T2, दिस वन, दिस इज द सिंक एंड इट इज एट टेम्परेचर T2 कोल्ड बॉडी, लो टेम्परेचर, इसलिए कोल्ड बॉडी बोला है। इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं कि इसकी वॉल्स जो है इंसुलेटिंग है जबकि टॉप हमारा कंडक्टिंग है राइट। एंड फोर्थ पार्ट इन्होंने लिया है क्या, आइडियल गैस वर्किंग सब्सटेंस जो कि सिलेंडर के अंदर है और वो है क्या, दैट इज अवर आइडियल गैस। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया, तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन इसका। अच्छा, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सोर्स और सिंक को ऐसा माना जाता है कि दे आर ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, इनफाइनाइट हाई थर्मल कैपेसिटी, मतलब इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। और इसका क्या फायदा है कि चाहे जितनी हीट सोर्स से लीजिए या सिंक में लीजिए, इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये पॉइंट आप दोनों में ऐड कर सकते हैं, अलग अलग सोर्स में भी सिंक में भी, और या मैंने जैसे अलग लिखा है ठीक है। क्या, इट इज सपोज दैट द सोर्स एंड सिंक बोथ हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन और रिजेक्टेड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर ऑफ सोर्स और द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। ये पार्ट हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया।
अब हम वर्किंग की बात करने जा रहे हैं। इसको आप कंस्ट्रक्शन में दिखा सकते हैं, स्टैंडिंग अलग से पार्ट है जिसकी वर्किंग में रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने बना दिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसका वर्किंग, लेकिन वर्किंग एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपका काम क्या है कि आप इस पोर्शन को नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने ऐसा कहा कि अब मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं, तो वर्किंग स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो आइडियल गैस है रिवर्सिबल प्रोसेस में ले जाया जाता है इसको फोर स्टेप्स में। मैंने लिखा हुआ है वर्किंग सब्सटेंस इज कैरी थ्रू अ रिवर्सिबल साइकिल ऑफ फॉलोइंग फोर स्टेप्स। चार स्टेप में रिवर्सिबल प्रोसेस में ले जा रहे हैं। अब कैसे ले जा रहे हैं, वन बाय वन स्टेप हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक एक स्टेप में यहां लिखता जाऊंगा। स्पेस मैं चाहता हूं कि एक्सप्लेन करने के लिए बना रहे और एक स्टेप लिखूंगा, बाद में फिर दूसरा लिखूंगा, फिर एक एक स्टेप समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले समझिए बाद में उसको कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इस सिलेंडर को इसके ऊपर रखते हैं, स्टेप वन। मतलब जैसे ये आपका स्टैंड है तो मैंने सिलेंडर ला करके इसके ऊपर रख दिया, यहां पे रखा। अब मैंने इसको जब यहां पे रखा फिर क्या करेंगे, जब यहां में रखेंगे उसके बाद गैस को एक्सपैंड करने के लिए छोड़ देंगे। तो एक्सपेंशन कैसे होगा, अब देखिए पहली बात तो इसका बेस हमारा क्या है, कंडक्टिंग है, और सोर्स का टॉप कंडक्टिंग है, और इसका टेम्परेचर हाई है, तो जब इसके ऊपर रखेंगे तो हीट यहां से यहां फ्लो करेगी। हीट क्या होगी, यहां से यहां फ्लो करेगी। जब हीट फ्लो करेगी तो यहां प्रेशर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि गैस को एक्सपेंशन अलाउ कर देते हैं, तो अलाउ कैसे कर लें, तो धीरे धीरे एक वेट हटाते जाएंगे। अब प्रोसीजर उल्टा भी हो सकता है क्या, कि हमने क्या किया सिलेंडर को इसके ऊपर रखा और धीरे धीरे एक वेट एक एक वेट हटाते गए, और जब वेट हटाते गए तो क्या हुआ, ये ऊपर भागता गया, पिस्टन ऊपर जाएगा, और पिस्टन ऊपर जाने से यहां कूलिंग हो जाएगी, और क्योंकि ये दोनों कंडक्टिंग है तो यहां से हीट क्यू वन यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और इस तरीके से ट्रांसफर होगी कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, यानी जो टेम्परेचर पहले टी था वही टेम्परेचर टी मेंटेन रहेगा। यस, अब क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन है भाई, इसके ऊपर जाने से कूलिंग हो रही है, लेकिन यहां से कंडक्टिंग और हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहां से हीट चली जा रही है यहां पर, तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन है। और अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन है तो प्रोसेस क्या होगा, दैट प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब हम कर्व बनाते हैं, देखिए यहां मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पहले स्टेप का ए है, और यहां से हम चले तो हम यहां पहुंचे पॉइंट बी पर, ठीक है। क्या हुआ, एक्सपेंशन ले रहा है गैस, तो प्रेशर क्या हो रहा है इसके अंदर का, कम हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखिए प्रेशर कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी ये प्रोसेस होगा। और टेम्परेचर क्या है, वही, तो यहां का टेम्परेचर P1 V1 T1, ए पॉइंट का ले लिया, और बी पॉइंट का क्या हो जाएगा कंडीशंस P2 V2 और T1। टेम्परेचर हमारा वही है, यहां पर P1 V1 T1 ले लिया एक पॉइंट पर, इस तरह पॉइंट। अब जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू इसका मूवमेंट शुरू कराया इस पे सोर्स पे रख के, तो प्रेशर हमारा P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई T1 से T1, यानी द प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस। यस, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करिए, इसमें कोई दिक्कत, ये ग्राफ समझ में आ गया, P1 V1 T1 P2 V2 T1। तो अब मैंने यहां पे लिखा स्टेप वन, प्लेस सिलेंडर ऑन सोर्स, अलाउ गैस टू एक्सपैंड बाय रिमूविंग स्मॉल वेट्स, कूलिंग टेक्स प्लेस, हीट फ्रॉम सोर्स गोज टू सिलेंडर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट,
द प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल, राइट। जो मैंने समझाया वो यहां पर लिख दिया है और थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप लैंग्वेज बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, दैट विल बी द वर्क डन एंड विल बी इक्वल टू हीट, क्योंकि जो वर्क हो रहा है वो हीट यहां से ट्रांसफर उसी से तो हो रहा है, वही हीट इसको शिफ्टिंग में आ रही है। तो इसका मतलब मैंने लिखा कि डब्ल्यू वन इज इक्वल टू क्यू वन, पहला स्टेप है वन एंड इज इक्वल टू म्यू आर टी एल एन वी टू बाई म्यू, पहली बार टी दिया हुआ इट विल बी टी वन क्योंकि यहां पे टेम्परेचर टी वन है और यहां पे भी टेम्परेचर टी वन है, तो म्यू आर टी वन एल एन। एक चीज और समझ लीजिए, मैं लिखता हूं लॉग वी टू बाई वी वन बेस ई, हमने आपको आइसोथर्मल और रेडियोएटिव प्रोसेस में वर्क निकाले था तो बेस ई था, इसको टेम में कन्वर्ट करना था, तो ऐसा करते हैं लॉग बेस ई लिखने की बजाय ऐसा होता है ये टर्म्स है, इसको हम लिख सकते हैं एल एन, ठीक है, बेसी एल एन हो जाएगा, एल एन का मतलब बेसी, और जब लॉग लिखेंगे तो लॉग का मतलब बेस टेन होगा, इसी को ध्यान रखिएगा। तो और कोई दूसरा बेस को तो स्पेसिफिक लिख दिया जाएगा, फिलहाल यहां पर बेस ई लॉग बेस ई लिखने की जगह एल एन लिखा जा रहा है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, डब्ल्यू वन इज इक्वल टू क्यू वन इज इक्वल टू म्यू आर टी वन एल एन वी टू बाय वी वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, और ये हमारा पहले स्टेप का ग्राफ है, और ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। एक एक स्टेप समझा रहा हूं, लास्ट में इस ग्राफ को मैं बड़ा करके दिखा दूंगा आपको, लेकिन क्योंकि एक साथ समझाना चाहता हूं इसके साथ स्टेप के साथ, इसलिए थोड़ा छोटा बता रहा हूं, समझिएगा बाद में करेंगे, तो आप वीडियो पॉज करिए और इस स्टेप को नोट कर लीजिए, वो बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, इसी में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यस ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप ये कंप्लीट हो गया, अब हमने क्या किया कि इस सिलेंडर को यहां से उठा करके स्टैंड पर रख दिया, वी प्लेस द सिलेंडर ऑन द स्टैंड। अच्छा स्टैंड क्या है, इसकी चारों वॉल्स हमारी कैसी है, इंसुलेटिंग है, तो इसका मतलब यहां तो हीट का कोई मतलब ही नहीं है, ना तो यहां हाई टेम्परेचर है ना लो टेम्परेचर है। हाँ एक चीज हो सकती है कि अगर इससे हीट यहां ट्रांसफर कर जाए, है ना, या अगर ये हाई होगा तो यहां से ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, चारों वॉल्स इसकी इंसुलेटिंग है, यानी इसको यहां रखने पर यहां कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो जब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो प्रोसेस क्या हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस ना, राइट। तो हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने इसको स्टेप टू इस पे रखा, वी पुट इट हियर, केवल यहां से रखा नहीं दिखेगा, अब इसको यहां पे रखा, इस पे रखने के बाद पहले हमने यहां के थोड़े वेट हटा दिए थे, अब जो बचे हुए वेट हैं उनको भी हटाना शुरू करते हैं, का मतलब क्या हुआ कि नाउ फर्दर वी अलाउ दिस गैस टू एक्सपैंड, फर्दर एक्सपेंशन चाहिए तो इसके लिए जो और वेट है उनको हटा देंगे, ठीक है, वेट हटा देंगे धीरे धीरे, तो ये पिस्टन हमारा और ऊपर जाता गया, और कहां तक एक्सपेंशन लिया, यहां पे टेम्परेचर टी वन था ना, ये टी वन, हम इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर टी टू तक एक्सपेंशन लेते हैं, और प्रोसेस एडियाबेटिक। तो क्या होगा जब ये फर्दर एक्सपेंड करेगा, यानी पिस्टन ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, इसका प्रेशर वॉल्यूम सब तो चेंज हो गया होगा, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हीट क्या कहीं से ट्रांसफर हो नहीं रहा है, तो इसके अंदर कूलिंग आती जाएगी, यानी टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड स्टेप हमारा, पहला यहां से P1 था, यहां से जब फर्स्ट स्टेप किया तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर P2 V2 T1 हुए, लेकिन अब यहां से जब यहां रख के प्रोसीजर करेंगे तो हमारा जो सिस्टम आएगा दैट विल कम लाइक दिस पॉइंट सी, और यहां पर क्या होगा, प्रेशर P3 वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट करता हूं P3 V3 और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बिकम T2, हमने बोला ना T2 तक एक्सपेंड करते हैं, ये है सेकेंड स्टेप, और ग्राफ हमारा इस तरीके से, कर्व इस तरीके से आएगा, और ये प्रोसेस क्या होगा, व्हाट दिस प्रोसेस विल बी, मैं इसको यहां लिख देता हूं ऐसे खींच के, देखिए दिस प्रोसेस विल बी एडियाबेटिक प्रोसेस, पहला प्रोसेस आइसोथर्मल और दूसरा एडियाबेटिक। तो मैंने यहां लिखा हुआ है नाउ स्टेप टू, नाउ पुट सिलेंडर ऑन द स्टैंड, इस पर रखिए
allow gas to expand, expansion by removing the waste, पिस्टन ऊपर जाएगा, गैस एक्सपेंड करेगी अप टू टेम्परेचर T2 जो कि यहां मैंने मेंशन किया है। नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, हीट का बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगा, कहीं कोई चांस ही नहीं है। द प्रोसेस विल बी एडियाबेटिक, राइट। और जब एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि हम पिस्टन शिफ्ट कर रहे हैं तो वर्क तो नहीं हो रहा है, और वो वर्क क्या होगा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क W2 इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ये T1 ये T2। मैंने काम किया स्टूडेंट्स, देखिएगा कि जो हमारे इक्वेशंस आ रहे हैं, पहला इससे पहले W1 था जो कि Q1 के बराबर था, वो मैंने यहां लिख दिया है इक्वेशन नंबर 1, और अब ये W2 यहां लिख दे रहा हूं W2। अब यहां क्यों नहीं होगा, क्योंकि हीट का कोई ट्रांसफर ही नहीं है, तो हम क्यों नहीं लिखेंगे, एंड दिस विल बी म्यू, सॉरी थोड़ा नीचे करता हूं, W2 इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, और ग्राफ पहले स्टेप पर ये, सेकेंड स्टेप पर ग्राफ ये हो गया, और ये एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। तो अभी आप फिर से वीडियो पॉज करिए, ग्राफ को उसी में एक्सटेंड कर लीजिए और स्टेप नोट करिए, फिर मैं आपको थर्ड स्टेप बता रहा हूं। यस स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज स्टेप 3। अब तीसरा स्टेप क्या है, पहले हमने सोर्स में रखा था, एक्सपैंड किया था, हीट यहां से आ गई थी, दूसरे में इसको स्टैंड में रखा, फर्दर एक्सपेंशन किया, नो हीट ट्रांसफर। अब थर्ड स्टेप हमने क्या किया कि इसको रखा सिंक पे, तो जब सिंक पे रखेंगे तो क्या होगा, अब हम इसके ऊपर धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में वेट रखते जाएंगे। जब वेट रखेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे आएगा, जो ऊपर चला गया था नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो कंप्रेशन होगा गैस का ना, हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट क्योंकि सिंक का टेम्परेचर लो है तो यहां से यहां चली जाएगी Q2, यानी यहां से सिंक में हीट चली जाएगी। जब हीट चली जाएगी तो टेम्परेचर जो पहले बढ़ रहा था वो कॉन्स्टेंट रहेगा ना, इसका मतलब इस थर्ड स्टेप में क्योंकि पिस्टन नीचे आ रहा है कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे, तो हीट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर जो बढ़ना चाहिए वो न बढ़ के हीट जो है सिंक में चले जा रही है, तो टेम्परेचर सिस्टम का कॉन्स्टेंट रहता है, और अगर सिस्टम का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो फर्दर दिस इज द थर्ड स्टेप विच इज आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, अंतर क्या है कि पहले स्टेप में गैस का एक्सपेंशन हो रहा था और तीसरे स्टेप में गैस कंप्रेस हो रही है, प्रोसेस दोनों आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है, दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल है, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे रिमूव कर रहे पिस्टन को, धीरे धीरे पिस्टन पे रखते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर कौन है, क्यों, क्योंकि पहले में यहां से हीट यहां जा रही थी और थर्ड स्टेप में हीट यहां से यहां चली जा रही है। तो अब ग्राफ क्या होगा, देखिए ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ना, तो अब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, कहने का मतलब कुछ अब यहां से चलेंगे तो ये पहुंचेंगे हम लोग डी पॉइंट पे। अब डी पॉइंट पे क्या रहेगा, P4 V4, और टेम्परेचर क्या रहेगा, प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर हमारा T1 रहेगा, तो ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो ये थर्ड स्टेप, ये पहले स्टेप में एक्सपेंशन, अब यहां एरो उलट गया, यानी क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रही है गैस हमारी, कंप्रेस हो रही है, और यहां डी पे पहुंचती है जहां पे प्रेशर P4 V4 और T2, यानी प्रेशर P3 से P4, वॉल्यूम V3 से V4, टेम्परेचर T2 से T2, तो प्रोसेस आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन हमने यहां पे लिखा हुआ, देखिए, नाउ पुट द सिलेंडर ऑन द सिंक, गैस इज कंप्रेस्ड बाय पुटिंग द वेस्ट ऑन पिस्टन, हीट प्रोड्यूसेस इन द सिलेंडर व्हिच गोस टू द सिंक, जो कि मैं बता चुका हूं, हेंस टेम्परेचर ऑफ द गैस एनी सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल फुल स्टॉप, Q2 अमाउंट ऑफ हीट विल बी ट्रांसफर टू द सिंक, जैसे यहां Q1 गई थी तो यहां से Q2 सिंक में जाएगी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, W3 इज इक्वल टू Q3 जो अमाउंट ऑफ हीट जा रहा है, इज इक्वल टू म्यू आर टी, टेम्परेचर T2 है यहां पे, यहां लिखा हुआ मैंने LN,
यानी log बेस ही v3 by v4। तो आप कह सकते हैं यहां पे v2 by v1 था, तो यहां पे v4 by v3 होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन क्या हो रहा, वहां गैस एक्सपेंड कर रही थी और यहां गैस क्या हो रही, कंप्रेस हो रही, इसलिए v3 by v4 आएगा जब पूरा मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे तो। राइट, तो दिस इज थर्ड स्टेप। और मैं यहां पे w3 लिख दे रहा हूं, w3 इज इक्वल टू q2 इज इक्वल टू म्यू आर t2 ln v3 by v4, इक्वेशन नंबर थ्री। राइट, चलो यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि हर बार स्टेप यहां से डिलीट कर दे रहा हूं, बाद में हमको इन इक्वेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए लिख दे रहा हूं। राइट, ये चीज समझ में आ गया तो फिर वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्या किया, फोर्थ स्टेप, पहले में यहां रखा हीट यहां से आ गई, सेकेंड में आपने इसमें रखा नो ट्रांसफर ऑफ हीट, लेकिन एक्सपेंशन दोनों प्रोसेस में गैस का हो रहा। उसके बाद थर्ड स्टेप में, ये स्टेप थर्ड है, मैंने सिंक में रखा, गैस को कंप्रेस किया, हीट का ट्रांसफर हो गया, प्रोसेसाइजेशन थर्मल। और फिर फोर्थ स्टेप हमने क्या किया, वापस उठा के स्टैंड रख दिया और गैस को फिर कंप्रेस करते रहे, कब तक, जब तक कि वो इनिशियल स्टेट ए तक ना पहुंच जाए। तो वापस रिवर्सिबल प्रोसेस तभी तो होगा जब वापस ए पे पहुंचेगी। राइट, तो ए पे पहुंच जाती है क्योंकि स्टैंड पे है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, द प्रोसेस विल बी एडियाबेटिक। मैंने लिखा है नाउ पुट सिलेंडर अगेन ऑन स्टैंड, कंप्रेस गैस बाय पुटिंग वेट्स स्लोली टिल इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट ए। राइट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, प्रोसेस विल बी एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो रहा तो वर्क डन क्या होगा, W4 is equal to mu r gamma minus 1 T1 minus T2। अब हम यहां कैसे पहुंचेंगे, यहां हम यहां से आकर के यहां से आएंगे ये, और ये एक कंप्रेशन होगा, गैस कंप्रेस हो रही है और प्रोसेस क्या होगा, एडियाबेटिक। सब समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा, कोई प्रोसेस नहीं। तो अब हम अगर इसके चारों वर्ग को मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो भी व्हाट विल गेट, साइक्लिक प्रोसेस हो गया, तो ये एरिया होगा ये, अगर पूरे प्रोसेस में वर्क डन चाहते हैं तो ये ए बी सी डी ए, इस पोर्शन का जो एरिया होगा दैट विल बी टोटल वर्क डन। और वैसे इंडिविजुअल ए से बी का जाएंगे तो यहां से कर लीजिएगा ये एरिया हो जाएगा, बी से सी का यहां से ये एरिया हो जाएगा, सी से डी का ये हो जाएगा नेगेटिव, डी से ई का ये नेगेटिव हो जाएगा। हम उसको नहीं लिखा रहे हैं, मैं केवल बता रहा हूं कि अगर साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क चाहिए तो दैट विल बी द एरिया एनक्लोज बाय दिस साइक्लिक कर्व। राइट, तो अभी आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, ये पूरा साइकिल है, इसको हम कॉर्नर साइकिल कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉर्नर साइकिल। और ये ग्राफ है पीवी के बीच में, पूरा कंप्लीट साइकिल, तो इसको नोट करिए, आगे की बाद में करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, कॉर्नर हीट इंजन की एफिशिएंसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो एफिशिएंसी क्या है, द रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन द हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। तो वर्क डन टोटल निकाल दू तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर। और यहां से देखिए डब्ल्यू टू और डब्ल्यू फोर सेम है, अंतर क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, तो नेगेटिव हो जाएगा, जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा क्या, दैट विल बी डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, और डब्ल्यू वन था क्यू वन एंड दिस वॉज क्यू टू, डब्ल्यू वन हमारा क्यू वन है, सॉरी डब्ल्यू टू ये, और डब्ल्यू फोर कैंसिल हो गए, यानी डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू थ्री माइनस क्यू है, क्योंकि डब्ल्यू वन एक्सपेंशन है और डब्ल्यू थ्री कंप्रेस हो रही है, इसलिए यहां माइनस, और W1 हमारा Q1 के बराबर है, W3 Q2, Q3 के बराबर, Q2 के बराबर है, तो इसका मतलब Q1 minus Q2, this is W, तो efficiency eta is equal to W by Q1, यानी Q1 minus Q2 by Q1, यानी eta is equal to 1 minus Q2 by Q1, और eta is equal to 1 minus और Q2 by Q1, तो रखता हूं Q2 क्या है, डब्ल्यू थ्री वाला, यानी म्यू आर टी टू वी थ्री बाई वी फोर
यही तो है म्यू आर टी टू, सॉरी ये नहीं है, एल एन वी थ्री बाई वी फोर, और ये क्यू वन क्या है, म्यू आर टी वन, एंड दिस विल बी एल एन वी टू बाई वी वन। क्यू टू और क्यू वन, ये क्यू वन की वैल्यू और ये क्यू टू की वैल्यू मैंने यहां पे रखी, और इसको जब सॉल्व करेंगे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, व्हाट वी विल गेट, ईटा इज इक्वल टू वन माइनस टी टू बाई टी वन, यानी फॉर्मूला क्या है, ईटा इज इक्वल टू माइनस क्यू टू बाई क्यू वन, और वैल्यू क्यू टू क्यू वन की रखे जब आगे सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, वन माइनस टी टू बाई टी वन, एंड दिस विल बी द एफिशियंसी ऑफ कॉर्नोट मीडियन। इसके बीच में तीन चार स्टेप्स हैं, प्रोसेस अप्लाई करते हैं डायरेक्टली सीधे ही ना, आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू वन माइनस टी टू बाई टी वन। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशियंसी ऑफ कॉर्नोट हीट इंजन। क्यों इस फॉर्म में लिखा भाई, हीट कितनी जा रही है यहां से, या हीट कितनी जा रही है यहां से यहां, ये तो बहुत आसान नहीं पता करना ना कितनी हीट जा रही है, लेकिन हमको टेम्परेचर इसका टी वन और टेम्परेचर इसका टी टू मालूम है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एफिशियंसी बाय यूजिंग द फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन, वी विल यूज ईटा इज इक्वल टू वन माइनस टी टू बाई टी वन। बीच के स्टेप मैंने छोड़ दिया है, और आप भी अगर एग्जामिनेशन में पूरा आता है तो आप यहां पर लिखने के बाद आफ्टर सॉल्विंग वे विल गेट एंड दैट विल दैट विल बी देयर, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉर्नोट हीट इंजन, इसको आप पूरा नोट कर लिए एफिशिएंसी यहां तक, नाउ इट्स ओवर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कभी कर लीजिए।